बीच में निकल जाओ, उसको जाने दो, जाने दो भाई, वो कुर्सी ले जाओ, कुर्सी पे खड़ी हो जाना, इधर से जाना यार। हाँ सर, आज सबसे पहले मतलब रामन सेकंड पहले भी एक लॉन्च हुआ था, इसका सेकंड है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसका? मैं वेट कर रहा हूँ छोरी का। हाँ रेडी, प्रेस इट, प्लेइंग, ओए प्लेइंग। फिल्म महायोद्धा राम, जिसमें मैंने रावण की भूमिका की है, 4 नवंबर को लग रही है ये फिल्म जो है, एक एनिमेशन फिल्म है। और इस फिल्म में खासियत ये है कि ऐसा फिल्म बनाने वाले जो फिल्म के डायरेक्टर हैं रोहित वैद्य, प्रोड्यूसर रूपाली सिंह और अभिमन्यू सिंह को ये लगा कि आज की जनरेशन जो है वो शायद इस कहानी को दोबारा देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर कहानी उसी तरह से पेश की गई, कैरेक्टर सभी उसी तरह से पेश किए गए, तो उन्हें लगा कि ये तो हमने पहले भी दादी से सुना है, नानी से सुनी है ये कहानी, इंटरनेट पे हमने इसके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने इस फिल्म के सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया। लॉर्ड राम के कैरेक्टर को, सीता जी के कैरेक्टर को, और बहुत ऐसी डायमेंशंस दी कि जिसमें मर्यादा भी भंग ना हो, उसके साथ साथ यंग जनरेशन को देखने में मज़ा है। फिल्म के अंदर ह्यूमर है, फिल्म के अंदर मनोरंजन है, और ख़ास तौर पर जो रावण का कैरेक्टर है जो मैंने पोर्ट्रे किया है, उसे मल्टी डायमेंशनल बनाया। बस यही कहना चाहूँगा कि हर एक्टर की ये एक इच्छा होती है, ख़ास तौर पर उस एक्टर की जिसने खलनायक का रोल किया होता है, खलनायक का पार्ट किया होता है, कि वो किसी प्रकार से कभी उसे एक दिन रावण का रोल करने को मिले। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि इस फिल्म में मुझे इतना चैलेंजिंग, इतना बढ़िया रोल करने के लिए मिला। दिवाली पे मतलब क्या करने वाले, दिवाली पे मतलब रिलीज होने वाली है, इसके अलावा क्यों जाए बच्चे चिल्ड्रंस पीछे क्यों जाए देखने, ऐसा क्या है? ऐसा ये है इस फिल्म में कि ये फिल्म बनाई इसीलिए गई है कि बच्चे, फैमिली, यंगस्टर्स इस फिल्म को इंजॉय करें। फिल्म में जैसे मैंने कहा कि मनोरंजन है, ह्यूमर है, फिल्म में जो कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन है वो आज के हिसाब से है, तो लोग ज़रूर इस फिल्म को देखेंगे, ज़रूर इस फिल्म को इन्जॉय करेंगे, देखेंगे, ये उनकी इच्छा है। मेरी तरफ से सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। सर अपनी पिक्चर के बारे में बताइए। सर रावण का रोल करने में आपको कितनी परेशानी आई या फिर आपको कोई परेशानी आई रावण का रोल करने में? मुझे कोई परेशानी नहीं आई, चैलेंजिंग था मामला, बहुत ही चैलेंजिंग था कि ये जो रावण का रोल है इसे करने में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक जितने कलाकारों ने रावण की भूमिका की है, बहुत सम्मान है मैं उन सभी कलाकारों के लिए, लेकिन उन्होंने एक ही तरह से किया है, चिल्ला चिल्ला कर एक्टिंग की है। जो रावण मैंने इस फिल्म में पोर्ट्रे किया है, क्योंकि डायरेक्टर रोहित वैद्य, प्रोड्यूसर रूपाली एंड अभिमन्यु सिंह उस तरह का पोर्ट्रेयल नहीं चाहते थे और मैं भी नहीं करना चाहता, तो ये रावण का जो कैरेक्टर है इसमें अभिनय करने का मौका मिला, अलग अलग तरह के रस, अलग अलग तरह के शेड्स प्रेजेंट करने का मौका मिला। सॉरी आई नोबडी कैन स्टॉप मी, सॉरी मैंने जाइए, डोंट कम, आई मीन नोबडी कैन स्टॉप मी, टीचर की नहीं सुनी तुम हो कौन? बदतमीज कहेगी। प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, प्रोजेक्ट्स के बारे में। अपकमिंग प्रोजेक्ट तो मेरा जो फिल्म है, इंडिया की पहली मॉक्यूमेंट्री फिल्म, इंडिया की पहली फीचर फिल्म फॉर डिजिटल ऑडियंस, उस फिल्म का नाम है बैड मैन, जिसमें मैं हीरो हूँ, और उस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वायकॉम 18 और वूट ने, उस फिल्म को डायरेक्ट किया है शौमिक सेन ने, जिन्होंने फिल्म गुलाब गैंग बनाई थी। अब फिल्म में बहुत सारे कलाकार हैं, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोराला, फराह खान, चंकी पांडे, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, सुजॉय घोष, सुजीत सरकार, महेश भट्ट साहब,
बहुत सारे लोगों ने अभिनय किया। तो आप सभी को भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। अपनी अम्मा की डायरेक्शन नहीं सुनी हमने, डायरेक्टर की नहीं सुनी हमने, तुम्हारी हिम्मत हमको बोलो, इन्जॉय, हैप्पी होली।